हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इन एक्सरसाइज 10.3 हम आगे के सम करेंगे। जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया उसी से रिलेटेड सम्स हैं, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। सो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ सुमन कंप्लीट्स वर्क इन एंड डे 8 डेज, हाउ मच वर्क कैन शी डू इन 1 डे। कि सुमन अगर 8 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रही है तो वो 1 डे में कितना काम कर सकती है वो फाइंड करना है। सो टाइम टेकन बाय सुमन टू कंप्लीट द वर्क इज 8 डेज एंड हाउ मच वर्क शी डू इन 1 डे। नाउ सी कैसे करेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे लाइन, द पार्ट ऑफ द वर्क डन इन 8 डेज। हमने वर्क फाइंड करना है तो पार्ट ऑफ वर्क डन इन 8 डेज इज 1 पार्ट। तो पार्ट ऑफ वर्क डन इन 1 डे इज 1/8। ये किया था कि वर्क एंड टाइम इज दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ अनिल कैन डू 1/25 पोर्शन ऑफ द सर्टेन वर्क इन 1 डे, हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट द वर्क। अगर अनिल जो है वो 1 दिन में 1/25 पोर्शन वर्क का कर रहा है तो वो कितने डेज लगाएगा काम को कंप्लीट करने के लिए। तो कैसे लिखेंगे, अब हमने टाइम फाइंड करना है, डेज फाइंड करना है। तो 1/25 पोर्शन ऑफ वर्क डन इन 1 डे, तो 1 पोर्शन ऑफ वर्क डन इन 1/1/25। तो जैसे हम यूनिटरी मेथड्स में करते हैं वैसे ही है। तो 1 × 25 इज 25 डेज। तो ये देखिए, ये भी यहाँ पे भी क्या आया, रेसिप्रोकल आया। 1/25 वर्क किया और टाइम कितना हुआ, डेज कितने आई, 25 डेज। थर्ड क्वेश्चन, उमेश कैन बिल्ड अ वॉल इन 20 डेज, वट पोर्शन ऑफ दैट वॉल विल ही बी एबल टू बिल्ड इन 5 डेज। 20 डेज में वो वॉल को बना सकता है, 5 डेज में वो कितना पोर्शन बनाएगा वॉल को, पहले हम 1 के लिए फाइंड करेंगे। तो पोर्शन ऑफ वॉल बिल्ड इन 20 डेज इज 1 वॉल। तो पोर्शन ऑफ वॉल बिल्ड इन 1 डे 1/20। अब 5 डेज के लिए फाइंड करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये कटिंग करके हमारे पास आया 1/4 पार्ट। तो इतना पार्ट जो है वो वॉल का 5 डेज में बनाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, सुरजीत कैन डू हाफ ऑफ द सर्टेन वर्क इन 7 डेज, हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 1 डे। 7 डेज में वो अपने जितना भी उसको काम दिया गया है उसका हाफ पोर्शन जो है वो 7 डेज में कर रहा है, हाफ ऑफ द वर्क जो है वो 7 डेज में कर रहा है, तो 1 डे में कितना करेगा। तो से वर्क डन इन 7 डेज इज 1/2 पार्ट। तो वर्क डन इन 1 डे इज 1/2/7 एंड वी गेट 1/14 पार्ट ऑफ द वर्क। ओके, थैंक यू।